वाला आउटफिट पहनने जा रही हूँ। ये इसका कुर्ता है, ये इसकी स्लीव्स है और ये इसका शरारा है, दुपट्टा। मैं पहन के आपसे मिलती हूँ। शादी बनी गई, शादी में मुझे बड़े नहीं पहनना, नहीं पहनना बिल्कुल भी बड़े। एक नई दुल्हन की मिसाल निकालूंगी, बिल्कुल जूते जूते पहनूंगी, पहले बन जा, बिल्कुल कान में कुछ नहीं पहनूंगी और लहंगे का कलर अलग रखना। बंद हो गया छेद। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ, चूड़ियाँ भी पहन ली है मैचिंग मैचिंग, इयररिंग से पहन ली है मैचिंग मैचिंग। अब इन लोगों को थोड़ा सा टिप टॉप कर दूँ, उसके बाद आपसे मिलती है। भाई को भी ले लो, भाई जी भाषण में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो आ रहे ना, जल्दी जल्दी वाला मेरे को सुपर स्पीड में नहीं। मेकअप से लगा भी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा टिप टॉप तो होना चाहिए ना। फ्रेंड्स आप लोग मैं सोचना कि फिर आप लोग बोलोगे बेचारी बच्ची मेकअप नहीं करती, आप उसे करा रहे हो। मैं उसे मेकअप के लिए नहीं कहती, मैं उसे कहती हूँ थोड़े से बाल ठीक कर लो, हल्का सा नॉर्मल। देखो रिहान का सबसे सही है, तो शुरू हो गया, शुरू हो गया। गुड रिहान। हीरो कौन है? तो कह रहा है शाहरुख भाई। तो मैंने कहा, मैंने बोला कि तुम्हें ये शाहरुख खान जैसा शौक क्यों लगा? तो कह रहा है शाहरुख खान का नहीं, मुझे शाहरुख भाई का शौक लगा, इसलिए मुझे फॉरवर्ड चाहिए। खाने में तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आप सबको पता है कि भाभी वाली बिरयानी मेरी फेवरेट है, तो मैंने वो ही खाई हरी मिर्ची के साथ। आप सबको ईद मुबारक। मुबारक आप सबको। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो कुछ इस तरह गुजरा हम सबका ईद का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद भी अच्छी होगी। अम्मी लोग यहाँ